थोड़ा सा एक तेरे लिए कंटेंट लाया मैं ब्रो। तो गाड़ी में शूट क्यों कर रहा है बट सब घर पे बैठ के शूट करते हैं, सब तेरे पॉडकास्ट पे घर पे बैठ के शूट किया है सब लोग ने, कितना राइट नॉर्मल हो गया है वो, थोड़ा चाहिए ना राइट चेंज। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ ट्रू, कोर्स, केवल रोहित है तो फिर थोड़ा अलग लगना चाहिए, और रोहित है भाई। हाँ सीधी बात है, अपन ने हमेशा अलग ही किया है, और लगना चाहिए ना कि हाँ ये पॉडकास्ट थोड़ा अच्छा था, तो इस ऐसा पॉडकास्ट होना बड़ा चाहिए ना। स्पेशल है। हाँ, ऑब्वियसली मैन है ना, कैमरा एंगल परफेक्ट है ना, सब सब परफेक्ट है डूड, सब परफेक्ट है। तू बता, तू मैं कैसा है? ट्राइपॉड लेके आया हूँ गाड़ी के अंदर। मैं अभी ठीक हूँ यार, तू सच्ची बता कैसा तूने है। ट्राइपॉड वाइपर लगाया अभी? हाँ हाँ आई कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि इतना मेहनत किया तू। अरे किया यार, मैं अभी उठा, मैं 240 को उठा, फटाफट रेडी हुआ, ट्राइपॉड मास्क सब 240 लिया, को मेरे उठा। ईयरफोन्स लिया और सीधा। हाँ 240 को उठा हूँ मैं। अरे मैं सुबह आया हूँ 6 बजे 7 बजे, 6 बजे आया मैं घर पे। किधर से आया तू 6 बजे तक? मेरी मास्क रिकॉर्ड कसम, एवरी गाय हु इज मैं गोना हियर दिस इज थिंकिंग दैट केवल रोहित में से रोहित हैज गॉन वाइल्ड नाउ। रोहित हैज एक्चुअली गॉन वाइल्ड मैन। हाँ रोहित बिकॉज़ सिर्फ सी घूम रहा यू है, और मां कसम तेरी दाढ़ी देख के मेरे को लग रहा है कि बाप रे, हाँ ये मेरा तो नो मेरा शेव नवंबर का कमाल है। दैट्स देयर इज नो, आई डोंट नो इफ देयर सच थिंग एज नो शेव नवंबर, इट्स नो नट नवंबर। नो नट नवंबर तो ऑब्वियसली है, बट नो शेव नवंबर बहुत ज्यादा ऐसा बहुत पहले से था। नो नट ओके नवंबर ओके तो आई डोंट नो इफ आई कैन नो कंट्रोल और नॉट। यू नो दिस इज ऑल गोइंग ऑन रिकॉर्ड यार, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है सब। हाँ तो ये डालना नहीं ना तू, वरना अगर अपने मॉम में से किसी एक ने देखा तो नहीं आई'm मेरा कुछ बैड सीन नाउ। नहीं है, मेरा कुछ सीन नहीं, आई हैवंट सेड एनीथिंग व्हिच इज इनकरेक्ट। हाँ तो ये वाला मत डालना फिर, आई माइट से मेनी थिंग्स दैट इज इनकरेक्ट। ऐसा ना डूड, तू एक्चुअली अपन तो मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि अपन काफी टाइम के बाद मिले, पर 2 दिन पहले ही मिले अपन। हाँ 2 दिन पहले ही मिला अपन, हाँ बट वो हाउ हाउ सामान देना था इसलिए या अभी वो सब क्लैरिफाई करने की बोलना। जरूरत नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ बट हाउ बोल यू, बोल। तू किधर रिसोर्ट रिसोर्ट में गया था ना अभी तो? हाँ मैं रिसोर्ट में नहीं है एक्चुअली, फ्रेंड के विला पे गया था, हाउ हाउ वाज इट तो लाइक, हाउ इज इट इन मतलब कोविड टाइम? कितने लोग अलाउड है, क्या सीन है, कुछ बोल, ऐसा है स्पेसिफिकेशन? नहीं वो टाइम पे अनलॉक था ना, अनलॉक 2.0 चल रहा था आई गेस, तो कार में ओके 1+2 ही अलाउड था, मतलब सिर्फ 3 लोग अलाउड, 3 जन कार में अलाउड थे, एंड हम लोग फिर भी 4 लोग बैठ के तो गए, एंड 4 लोग बैठ के गए तो वो रिस्क पे चले गए, बट वो वहां पे फिर पकड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, सीन तो बच गए, एंड बचिए। मेरे को आना ही पड़ा नेक्स्ट डे यहाँ पे वापस से, बिकॉज मेरा बिल्डिंग लॉकडाउन होने वाला था, बहुत ज्यादा केसेस आ गए थे मेरे बिल्डिंग में, सो मेरे ओह को आना फक, ही पड़ा। हाँ तो नेक्स्ट डे तो मेरे को आना ही पड़ा, बाद में दोस्त मेरे सब 2 दिन रुके, उसमें से फिर एक मेरे दोस्त को पॉजिटिव आया, वो जब सच्ची यहाँ पे आया तो। हाँ तो मतलब, और वो एंड दे दे मैं सो यू गॉट टेस्टेड और व्हाट? नो नो आई वाज नॉट टेस्टेड फॉर COVID-19, आई टेस्टेड माय सेल्फ फॉर एंटीबॉडी टेस्ट, ओके सो दैट ऑल्सो आई वॉज क्वारंटीन फॉर 12 डेज। What the fuck, dude? Wow. हाँ यार ब्रो, मैं 3 दिन पहले घर पे मॉम डैड के साथ था, एंड So उसके बाद मेरा how फ्रेंड are है, you डॉक्टर है। quarantining? Like तू एक रूम में बैठा है कि एक घर में पूरा हाँ मॉम रूम डैड में के साथ था, हैंग कर रहा है? नहीं, सिर्फ रूम में था, रूम लॉक, उसके अंदर मेरे पास सब यूटेंसिल्स मेरे को मम्मी ने दे दिया था, मैं खुद ही धोता था कपड़े भी, वही 3-4 Oh कपड़े my वही custom. पहनता था। हाँ और वही मैं ही धो के, डेटॉल से धो के, एंड बाद में उसको ही सुखाना, एंड वैसे ही चल रहा था मेरा। मैं 12 डेज डूड, क्वारंटीन था। हाँ बट तो कैसा लगा, 12 कैसा लगा? एक्चुअली मेरे को इट फेल्ड, इट माइट हैव नहीं फेल्ड लाइक ब्रो, अकेला रहने वाला, ना अकेला रहने वाला फील लगा रहेगा, बट स्टिल खाना नहीं तो वो बन रहा अकेला है। रहने वाला फील क्या, बट खाना है सब है, बट क्या अकेले रहने वाला फील, वो रूम के अंदर पैकेज तू बहुत ज्यादा, मतलब या तू बोर हो जाता है ब्रो बहुत ज्यादा। मैं तो हो गया था अरे तो कि मैं तो मूवीज शो बहुत नहीं देखे ज्यादा क्या बोर हो कुछ? गया था। हाँ देखे ना, मैंने पूरा क्राउन खत्म किया, कैसा है एंड क्राउन डूड? आई एवरीवन इज सेइंग मी टू वॉच क्राउन,
और सीन क्या था कि चार सीजन है, मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कि चार सीजन देखू की नहीं, चार सीजन देख, मैं लास्ट सीजन के दो एपिसोड पे छोड़ दिया, लास्ट सीजन में बहुत ज्यादा स्लो हो गया, बट पहले तो पता है ना फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड सीजन के लिए रिन्यू हो चुका है क्राउन। हाँ हाँ क्राउन और दो सीजन रिन्यू हो गया, उसके बाद कैंसिल करने वाले, उसके बाद आई मीन दे विल कैंसिल द शो। कितना बोलेंगे ना अभी तक, 2020 तक आ जाएगा उनका, क्योंकि ये एक्चुअल स्टोरी तो है। एक आ गया, एक एपिसोड, एक सीजन आ गया शायद, अभी तो आया रिसेंट, अभी हाँ वही एक रिसेंटली एक सीजन आ गया नया उन लोग, दैट इज द सीजन 4, दैट इज सीजन 6 आई गेस। नो 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 सीजन 4 उसमें मार्गरेट थैचर और सीजन 6 और सीजन 5 होगा। नहीं नहीं पता नहीं, फिर मैं पता नहीं, बट सीजन 6 तक रिन्यू हो गया इतना मेरे को पता है, मैंने देखा था, मैंने पूरा अभी। हां नहीं ब्रेकिंग बैड देख, ब्रेकिंग बैड क्या सॉरी फक क्राउन और 187 seasons of different TV shows. और 87 specials सब recorded है मेरे पास, सब लिखे है कौन से डेट पे कहाँ क्या देखा, सब सब ready है मेरे पास, like it's that good, like I feel really good about myself when I say about it। तूने I know बहुत देखा है। कितना binge करता है तू? मैं रात को देखता हूँ यार, रात को मैं इतना नहीं देख सकता, नहीं बट मैं इतना नहीं देख सकता, मैं देखता हूँ वो सीजन वो चीज। अभी मैंने लॉकडाउन में सबसे ज्यादा देखा एक्चुअली, मैंने 10 शोज खत्म किए, हाँ 10 शोज ही खत्म किए, फिर भी मैंने 198 या 2 क्या 192 ना 192 मूवीज मूवीज नहीं देखे मैंने, और 180 समथिंग शोज देखे मैंने, सीजन देखे मतलब उसके। Man, salute. I feel really great about saying this. And even though it's not an achievement at all, this just proves that how free I am. But I feel like it's an achievement. No, that is different thing that you are free, but you also gain knowledge from that, man. Yeah, after every show I analyze, dude. After every show, like I said, for example, अभी मैं recently ये देखा, I know this much is true. कल ही खत्म किया मैंने, Mark Ruffalo का show है, बहुत बहुत mind blowing show, Disney पे Hotstar पे, तो तू देखिए ना, इट्स एन अनकंफर्टेबल वॉच। आई नो दिस मच इज ट्रू, ओके, नया शो है एचबीओ का, बट सो वो था ना काफी, जैसे तूने क्राउन आई गेस बिंज किया मतलब मैं देखा राइट, हां दिस आई एम अ वेरी गाय यू नो बिंज वॉचर गाय, लाइक मेरे को एक रात में उड़ाने का बहुत पसंद है, but I couldn't watch I know this much is true one go mein, like it's an uncomfortable watch aur main pura aise dekha ki kyun uncomfortable hai, kaise shows hai, like simple scenes jaise confrontation scene, but main screen change kar deta tha aur sirf sunta tha, waisa wala jata tha, and I used to like write it down ki kyun pasand hai kyun nahi, ye wo sab nahi, wo bahut bahut cheeze gain, abhi अपन सेम इंडस्ट्री से है तो अपन बहुत चीजें गेन करते हैं, अपने को समझ में आता है कि हाँ कि ये चीज ऐसे, अगर ये चीज, क्योंकि बहुत चीजें हैं, अभी ब्रेकिंग बैड में जब मैंने ब्रेकिंग बैड चालू किया था इतना स्लो था, बट बाद जाके मेरे को समझा कि क्यों स्लो था, बिकॉज वो लोग बिल्डअप वैसा कर रहे थे यार, राइट क्योंकि वो धीरे 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 बिल्डअप हुआ कि जो भी था उसपे, तो वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। एंड ब्रेकिंग बैड नहीं देखा? ब्रेकिंग बैड भी देख ब्रो, वेरी नाइस। अरे मेरे को ब्रेकिंग बैड स्टार्ट में स्लो लगेगा, बट द ओनली रीजन आई डोंट वांट टू वॉच इट बिकॉज़ एवरीवन हैज सेड इट्स वेरी स्लो, और मैंने बेटर कॉल सॉल देखा, व्हिच पीपल से इट इज बेटर देन ब्रेकिंग बैड, ठीक है, मेनी पीपल हैव सेड दैट। मैंने बेटर कॉल सॉल के फर्स्ट 5 एपिसोड्स देखे, एंड आई जस्ट लाइक, मैंने 5 एपिसोड्स दिए, आई गिव इट अ फेयर शॉट, बट आई डोंट नो, इट जस्ट डिडंट फिट इन, लाइक थोड़ा सा लाइक ऐसा लग रहा था कि ड्रामा में कॉमेडी डाल रहे हैं, एंड इट जस्ट मेरा टेस्ट नहीं था, मे बी बेटर कॉल सॉल छोड़ दिया। कितने कॉमेडी स्पेशल देखे, और
like I बहुत मेरे को पसंद है कॉमेडी, बट ड्रामा और कॉमेडी अच्छे से मिक्स करो, लाइक यू नो पार्क एंड रिक्रिएशन इज वन ऑफ द थिंग्स, वैसा टाइप करो, बट ये थोड़ा सा अलग था. नहीं मैं कॉमेडी मतलब शोज वगैरह देखने में, कॉमेडी मतलब ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा जॉनर है, बट मेरे को मैं कॉमेडी में ज्यादा ये नहीं है, मतलब मुझे करना, मतलब अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ कर सकता हूँ या कुछ अच्छा लिखा मैंने तो ठीक है, बट मैं कॉमेडी में ज्यादा नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा डार्क, थोड़ा टाइम ट्रैवल, हाँ थोड़ा मतलब डार्क वो शो नहीं बट थोड़ा ऐसा डार्क कॉमेडी भी अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा ऐसा नेगेटिव, हाँ सीरियसली मेरे को थोड़ा वैसा ही पसंद है, ड्रामा भी पसंद है, फैमिली ड्रामा भी पसंद है मेरे को. नहीं मेरे को फैमिली ड्रामा ये भी पसंद है, मतलब वो कपूर एंड सन, कपूर एंड सन क्या मूवी है डूड, क्या मूवी है, लवली मूवी, क्या मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है यार वो, दिल धड़कने दो तो भाई मैंने इतनी बार देख लिया रहा बीच में, अमेजिंग मूवी डूड, मैं तो सोया ये सब मूवी वो पागल हूं चलते रहती है. देख हम लोग, मैं क्योंकि मैं फिल्म स्कूल में है ना, जोया अख्तर के बीच आई एम लाइक वेरी क्रेजी, फिल्म स्कूल में हम लोग को वी गेट दिस स्कीम राइट एन एसे अबाउट फेवरेट डायरेक्टर और सम स्टफ लाइक दैट, तो एग्जाम में ये था और मैं तो फुल जोया अख्तर पे लिख दिया कि दिल धड़कने दो, गली बॉय, अपना लक बाई चांस, ZNMD, सब देखो, मेड इन हेवन देखो, क्या कमाल है मेड इन हेवन, अच्छा है, मैंने देखा नहीं है, मुझे देखना है, मस्त शो है डूड, मस्त शो है. मैंने मेरी मॉम को दिखाया, मतलब इस पे बहुत अच्छा, बहुत ये काम है ना. नो इट्स नॉट, इट्स अ ट्रैवल, कैसे बोलूं, इट्स अ, नो इट्स अ स्लो बर्न टाइप थोड़ा सा है, बट तीन चार स्टोरीज ऐसा मिक्स हो रही है उसमें, इट्स लाइक एन एंथोलॉजी बट नॉट एन एंथोलॉजी. फॉर एग्जांपल उसमें दिखाया कि आई वोंट स्पेयर यू द डिटेल्स एंड बोर यू विद द थिंग, बट ऐसा कि वेडिंग प्लानर्स है वो लोग और वो एवरी टाइम एवरी एपिसोड नई शादी फिक्स करते हैं और वेडिंग वो हमेशा उसमें एक नई स्टोरी चल रही है और कैरेक्टर्स की भी अलग से स्टोरी चल रही है, तो तीन चार ऐसा मिक्स होता है और फिर फाइनल में बहुत बड़ा बिल्डअप आता है, फटता है धमाका. नहीं फिर मेरे इस पे नहीं है वो, क्योंकि ये सब मैं तभी देखता हूँ जब मैं बहुत थोड़ा बोर हो जाता हूँ और थोड़ा मेरे को चेंज चाहिए रहता है तभी, वरना मैं नॉर्मली नहीं देखता हूँ. मेरा उल्टा है, आई इफ आई गेट बोर्ड विद कॉमेडी देन आई गो टू ड्रामा. और बता फिर बाकी क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं चल रहा यार, एवरी डे आई एम जस्ट स्विच थिंकिंग कि मैं आज इंस्टाग्राम ऑफ करूं कि नहीं करूं, ऑफ करूं कि नहीं करूं, ऐसा एवरी डे का यही थॉट है. द थिंग इज आई लाइक इंस्टाग्राम, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम क्योंकि कभी कभी एंड आई डोंट लाइक फोन, मेरे को लैपटॉप पसंद है, मेरे को फोन में ज्यादा यूज नहीं करता मैं, लैपटॉप पे एवरी डे मेरा क्या है व्हाट्सएप यहाँ पे चल रहा था, इंस्टाग्राम हो जाता है, बट समटाइम्स ना I don't like to use Instagram because firstly, sometimes maybe I'm avoiding someone or so or teen-char reason mereko pasand nahi hai aur kabhi kabhi na sab log ki success dekh ke realize hota ki maa kar sa main kuch nahi kar raha hu, like kafi time, even though I know it's all fake, even though apan reh chuke us jagah pe logo ko, like for example apan ne bhi wo sab shoots kiye hai jinse log jalte rahenge, I'm thinking waisa types, but I know it's all fake, but still sometimes I get crazy about it and also just I get mad. And I get very irritated when someone posts their birthday stories. Like reposting jab aata na. Like for example, abhi maine teko message ki, for example, tune meko birthday wish kiya, theek hai, story mein. Ki happy birthday Keval, XYZ, tune bola ye sab. And now, and your follower, so X person is your follower, and X person is following you, and it's following me too. So bhi tune to wish kiya, so usne tere mein dekh liya. But mere mein maine wapis tera repost kiya. और तेरा बर्थडे स्टोरी एंड यू आर नॉट दी अलोन हु हैज विश्ड मी हैप्पी बर्थडे ना, तेरे से 10-15 लोग है, तो मेरे को मेरी 15-20 स्टोरीज हो गई है पहले से, एंड नाउ द एक्स पर्सन द फॉलोअर की उसकी तो लग जाए ना 15 स्टोरी स्किप करो, क्योंकि उसको क्या मिलेगा मेरा बर्थडे स्टोरी देख, आई मीन लाइक इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड इनफैक्ट ये होना नहीं चाहिए, आई नो अबाउट इट बट आई गेट मैड अलोइंग कि ये सब क्या चल रहा है. नहीं वो दूसरों का ये देख के ना वो कैसा पता है वो सेल्फ इस पे आ गया कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कहां पे अपने को सेटिस्फेक्शन मिला है,
एंड समटाइम्स इट इज वेरी मैड कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ दुनिया में, लाइक मैं ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ. वो ऑब्वियसली एक चीज है, बिकॉज देख आई विल बी वेरी फ्रैंक, अपन ने बहुत जल्दी वो 12 टू 16 इयर्स के बीच में अपन वी हैड दैट फेम. हाँ या आई नो वो नहीं, वो फेम अपन ने देख लिया, वो पैसा भी देखा, सब देखा अपन ने, एवरीथिंग वी सॉ एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम क्लब्स टू फेम, मतलब एवरीथिंग, मतलब अपन ने सब देखा यार, मतलब बिग बजट पार्टीज डूड, आई रिमेम्बर दोस पार्टीज स्टिल. हाँ बिग बजट पार्टीज, मतलब कभी देखा नहीं था वो पार्टीज, एंड जेन्युइनली मैंने नहीं देखा था, मतलब 13 इयर्स वाले लड़के को, हाँ 13 इयर्स वाले लड़के को तुम लोग बार पे जाके खड़े करोगे एंड वो क्या मांगेगा. वो मैंने एप्पल जूस मांगा था, तुझे पता है बोरा बोरा में, मतलब यू रिमेम्बर बोरा बोरा क्लब? आई हैव नेवर बीन टू दैट क्लब बट नो नो. अरे आपका पार्टी था, बालवीर का पार्टी था. Oh, first party. अरे वो अंधेरी वाला. Yeah, first party. बनाना लीफ के आसपास. हाँ, बोरा बोरा, बोरा बोरा. Oh, okay. I didn't know the name, but yeah. हाँ, नहीं वो जुहू में ही है, अभी मेरा friend own करता है वो place. Seriously? क्या सही है? हाँ, seriously bro. क्योंकि वो लेके गया, मैंने बोला अभी यहाँ तो मैं first time आया था ऐसा. हाँ, मतलब dude, I remember, I don't know, I guess you also did this. अपने बात की थी इस बारे में कि मैं actually में apple juice मांगता था. Just to make it look like I'm drinking beer. Yeah, मैं भी fizz पीता था. अपन दोनों वो fizz पी के कि हाँ, we are having some drink. And yeah, we are. आपको पता है कि ये लोग apple fizz पी रहे. So, and वो, like and I remember it very vividly. मैंने bartender को बोला था कि मेरे को वो होता ना triangular glass ऐसा वाला और उसके नीचे ऐसा होता है. मैंने बोला था कि उसमें दो ना मेरे को. तो बोलता कि नहीं, उसमें नहीं मिलेगा. नहीं तो वही है ब्रो कि अपन ने बहुत जल्दी वो देखा, मतलब मतलब वो चीज जब मैंने अपन अब हम दोनों ने देखा, मतलब तूने मैंने, मतलब हम दोनों ने भी नहीं, मतलब अब हम एवरी चाइल्ड एक्टर जितने भी लोग बचपन में काम कर रहे थे वो देखा, जिनसे हैंडल हुआ दे आर ग्रोइंग एंड वेरी गुड फॉर देम. मतलब मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूर्वेश अभी गया था, काम किया, मैं बहुत हैप्पी था. मैंने उसको बोला कि आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड मैंने एपिसोड देखा तो, और मैं जब देखा उससे मिला, मैंने बोला कि हाँ, तो मैंने बोला, और मैं गया भी था एक दिन शूट पे यहाँ पे दहीसर में उनका, उन लोग का अभय ने फोन किया केवल भाई, मेरे सामने ही किया, मेरे को बोलता केवल को कॉल करो ना, मैंने बोला पूर्वेश बोलता ये ले नंबर तू कर कॉल. तो उसने किया, तूने उसको बोला कि आई एम आउट समवेयर, मतलब कुछ तो बोला. हाँ, अरे मैं लेक्चर्स थे यार, अभी भी लेक्चर्स में हूँ. सीरियसली क्यों लेक्चर में? Oh, I hope मेरे कॉलेज में कोई देखे नहीं डूड. मैंने बोल तो दिया मस्ती मस्ती में, but actually like lectures चल रहे अभी and सच में. Shit man. हाँ उस टाइम में लेक्चर्स था रे, उस वजह से आई कुडंट कम बट आई वांटेड टू. और दहीसर था यार, दहीसर था गाने में थोड़ा सा मैं ये सोच के डर लगता है कि अरे इतना टाइम, फिर ऊपर से आते वक्त ट्रैफिक और ये सब, तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है. Let's switch to Instagram again. Yes. हाँ, तो वो मुझे भी ना वो Instagram में मुझे भी ऐसा ऑफ करने का मन कर रहा है बहुत. और ऐसा नहीं कि दूसरों का सक्सेस देख के एंड ऑल, बिकॉज़ देख लोग सक्सेस, लोग प्रोग्रेस करते हैं, लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो अपने मेहनत से अपने इस पे से पहुंचे हुए. हमने नहीं किया, हमारी फॉल्ट. नो, आई टेल यू माय थिंग मेरा क्या है ना कि इफ माय फ्रेंड इज प्रोग्रेसिंग आई एम वेरी हैप्पी. इनफैक्ट आई विल शेयर दैट प्रोबब्ली, यू नो व्हाट आई मीन. आई गेस इट्स द सेम गोज विद यू एज वेल कि अपन फ्रेंड्स के लिए तो अपन है ही, बट समटाइम्स एंड आई डोंट नो, आई एम टर्निंग इट अ ग्रंपी ओल्ड मैन समटाइम्स आई गेस, बट मैं कभी देखता हूँ ना ये बंदे को, क्योंकि ये बंदे को फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज अ बैड एग्जाम्पल बट अभी समझ ले तू ही है, ठीक है, एंड आई नो यू, ठीक है, मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरा पूरा आई नो यू वेरी, मेरे को पता है ना तू कैसा है बंदा है, तेरे चॉइसेस मेरे को पता है ये वो, बट अब मैं तेरे को इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ एंड यू आर जस्ट टॉकिंग रैम्बलिंग सम बुलशिट क्रेजी फेकनेस कि मैं यहाँ पे जा, यू नो व्हाट आई मीन, जस्ट लाइक
I know you don't like to wear dress, wear clothes, change clothes, for example. But you Instagram पे तो full on अपने कपड़े बेच रहे हैं. Just this is a bad example, but something like that. And I get very mad. हाँ नहीं true. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? What the fuck are you doing? नहीं वो fake रहना ना मुझे भी नहीं पसंद. And I get very annoyed. हाँ even I do man मतलब मेरा एक दोस्त है he is a photographer तो वो अभी उसने मतलब मुझे 2 या 3 years पहले ही बोला था कि रितिक start with your YouTube मतलब confidence and camera के सामने रहने का आदत था तो he was like he start with YouTube you'll grow Instagram पे भी होगा but मैंने बोला bro खाली एक ही problem है वो fake नहीं बन सकता क्योंकि मैं जो हूँ I am this only मतलब अभी Logan Paul fake नहीं है मेरे पास थोड़ी है उसके दो हाँ मतलब Logan Paul at least वो चल ठीक है बहुत ज़्यादा controversy होता है but वो fake मुझे तो नहीं लगता हाँ मतलब बहुत controversies होते हैं but वो तो है ही वो फेक में से हाँ मुझे मुझे वो फेक नहीं पसंद एंड वो इंस्टाग्राम है ना बहुत नेगेटिव बन चुका है यार मतलब धीरे धीरे ये बहुत नेगेटिव बनने जा रहा है एंड वो धीरे धीरे बनेगा और क्योंकि कंटेंट वो कंटेंट वर्ड ही है ना एकदम खराब हो It's like and the problem is ये problem है ठीक है मेरा दिमाग ज़्यादा घूमता क्योंकि again as I told मैं annoy बहुत होता हूँ जल्दी आजकल And I think so. It's one of the reasons because of Instagram. Because I'll tell you how. So, abhi art, ek word kafi acha word hai. It's a very good, simple, good word. Art. Now, some people I hate this. Ki when people do this crazy, crazy shit, they term this as art. I don't want to symbolize anything. I'm not bad mouthing anyone. But काफी लोग को मैं देखता हूँ and I'm talking just personal example here. But मैं काफी लोग को देखता हूँ and I see कि this person is calling themselves what the fuck they are doing is art. And if you see it's subjective, okay, cool. If you think that's art, but what, why the fuck is then a stand-up comedian what is doing? वो art नहीं है कि वो बंदा सिर्फ mic लेके jokes चिल्ला रहा है. ये क्या फालतू की है? कुछ भी. कोई बंदा जो रोगन और मार्क मारन को देख लो जो पॉडकास्टिंग इतने सालों से कर रहे हैं और लेजेंड्स है अभी उसमें वो आर्ट नहीं है व्हाट द फक आई एम सपोज टू गेट फ्रॉम योर ऑरेंजेस व्हिच यू ड्रॉ डूड तो ऑरेंजेस ड्रॉ किया उस समय क्या मेरे को मिलेगा लाइक ओके इट्स अ गुड ऑरेंज चलो माइंड ब्लोइंग बट उस समय क्या सीख क्या रहा हूँ दिस इज वेरी अनोइंग एंड ऑल्सो अटेंशन स्पैन क्योंकि अभी मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ ठीक है एंड किसी के साथ बात कर रहा हूँ और 2 मिनट के लिए भी अगर वो ऑफलाइन गई So it's just like oh shit मैंने क्या कर दिया मैंने ऐसा क्या कर दिया वो ऑफलाइन चली गई है मैंने ऐसा नहीं यार और एक और पॉइंट ये है कि मतलब हम दोनों के फॉलोअर्स अच्छे हैं ठीक है इवन मतलब तू फिर भी तू कर रहा है ये पॉडकास्ट का पोस्ट कर रहा है तेरा एंगेजमेंट है मेरा एंगेजमेंट ही नहीं है मैंने अभी रिसेंटली 80 पोस्ट्स डिलीट किए मेरे पहले 80 या 50 कुछ पोस्ट्स मैंने डिलीट किए मेरे 120 पोस्ट थे टोटल बट मैंने डिलीट किए एंड अभी मेरे 40 पोस्ट्स है एंड मुझे पोस्ट करने का मन भी नहीं करता बिकॉज़ मेरे को खुद के फोटोज खींचने एंड फिर मुझे ये बुरा भी लगता है कि मैं मेरे जो फॉलोअर्स है उनको वो दे नहीं पा रहा हूँ मतलब नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे ये बुरा भी लगता है कि मतलब उनके लिए कि मतलब मैं ही नहीं कर रहा हूँ मेरी गलती है बट दैट इज फाइन मतलब मुझे जब इंस्टाग्राम पे मेरे को वो चीज पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों ही करूँ अभी मुझे इंस्टाग्राम या तो मुझे ना वो इंस्टाग्राम है ना थोड़ा ऐसा दूर करना एंड मेरे एक दो फोटोज पे थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी थे एंड मैं मेरे को वो चीज नहीं अच्छी लगती मैं नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देता हूँ आया क्या तेरे पास ट्रोल्स तो मुझे हाँ बहुत अरे ब्रो बहुत ट्रोल्स आए बहुत मैसेजेस काफी आते हैं And I've seen the transition, okay? मुझे comments बहुत आए हुए
बट ट्रांजिशन देख लिया ना, पहले बोल रहा है कि प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई, मैसेज किया नहीं, यू डिक, यू नो इट जस्ट गोज ऑन अगेन. या सेम मैन सेम. अभी एक इसने मेरा मुझे स्टोरी पे मेंशन किया था कि ऐसा ऐसा कुछ तो था, मतलब टाइम हो गया थोड़ा, डेढ़ दो दो महीना हो गया होगा, टू मंथ्स पहले की बात है. तो उसने मुझे टैग किया, तो मैंने वो पोस्ट देखा नहीं. अभी मैं वो इस पे जाके देख के, बिकॉज वो मैसेज करते तो वो जनरल मैसेज में जाता है, राइट राइट राइट, मतलब मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है. हाँ, तो उसमें चला गया था वो, तो मैंने उसको मैंने देखा नहीं. एंड उसके बाद उसके खराब खराब ये आने लगे, तो मैंने बोला इतने क्यों मेरे को मैसेज रिक्वेस्ट आ रहे. मैंने जाके देखा तो वो यार ये गाली दे रहा है. मैं बोला मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू. मैंने उसका डिलीट किया. मैंने बोला ब्रो फर्क नहीं पड़ता तेरी गाली से, बट क्यों कर रहा है, मतलब तू मुझे क्यों गाली दे, मतलब मैंने क्या किया ऐसा कि तू मेरे को गाली दे रहा है. हाँ, मतलब कुछ मैंने किया हो, कुछ एकदम कंट्रोवर्सी में मैं हूँ, तू बोल तो समझता है. डिफरेंस समझ में नहीं आती है. लाइक कैसे बोलूं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल वो अभी भी तेरे को रोहित के थ्रू जानते हैं, राइट, बालवीर का रोहित के थ्रू जानते हैं तेरे को, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट आई थिंक सो पीपल स्पेसिफिकली माई फैंस एंड आई एम गेसिंग योर फैंस टू, कि वो अपने कैरेक्टर में और अपने में डिफरेंस नहीं देख पा रहे. वो अभी भी कैरेक्टर को प्यार कर रहे हैं और वो उसी प्यार को अपन को देख रहे हैं. सो जस्ट दे थिंक इट्स ऑल कूल बिकॉज अपन वहां शो में कुछ भी बोल देते हैं, राइट. ट्रू ट्रू ट्रू, कि हम वही, हमको वही भुक्कड़ है हम. हाँ, अरे ब्रो, ओ आई गेट सो मैड. स्पेंड योर डे विद अस, लाइव पे किसने, व्हाट वी आर. एक बार लाइव पे मेरे को किसने कुछ तो बोला था, एंड आई गॉट सो क्रेजीली मैड. मैं तो लाइक उस पे लाइव पे बोल दिया कि बाबा तीन चार चीजें बोली, आई शुडंट से इट हियर, बट तीन चार चीजें बोली और मैंने उसको निकाल लिया. हां हां, ओके. क्या सर, इंस्टाग्राम इज, इंस्टाग्राम इज कैसा है पता है, इंस्टाग्राम इज मतलब नॉट बुलशिट बट स्टिल वो थोड़ा नेगेटिव. द ओनली रीजन आई, और वो गया नहीं है, वो धीरे-धीरे. और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचा इसके बारे में कि मैं छोड़ दूं कि नहीं करूं, निकाल दूं. बिकॉज सी नाउ मेरा भी आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड सच, कि कर लो ये कर लो. आई गेस तेरे को भी आते रहेंगे, राइट, कि इससे फोटो लेके सम स्टफ, यार सम टाइम्स, ओके. सो आई मेजरली से नो टू देम बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट बिलीव इन द होल प्रोडक्ट, आई डोंट बिलीव इन देयर प्रोडक्ट. उसके अराउंड 10 के या 12 के फॉलोअर्स है, एंड वो ब्रांड को जो प्रमोट कर रही है, कर मतलब ठीक है यार, कर रही है एक दोस्त, मतलब वो ब्रांड्स को जो प्रमोट कर रही है, ओ फक मैन, आई नो, मतलब इतना कैसे. और आई हैव फ्रेंड्स और अच्छे-अच्छे ब्रांड को प्रमोट कर रही है, गुड ब्रांड, या आई नो, मतलब वो महावीर नगर वाले फ्रेंड्स तेरे, वो जिनको मैं भी जानता है, तू जानता है उन लोग को, हाँ, तो उनको मैं भी मतलब क्या प्रमोट कर रहे हैं, मतलब क्यों, मतलब कैसे, मतलब अगर इतना ब्रांड तुम लोग को अप्रोच कर रहा है तो कैसे आ रहा है, मेरे को, हम लोग को भी बता. I don't know the whole, I don't know that their deal, but if they're doing it, see, I'm good for them. But if you believe in product, go for it. क्यों नहीं? But I don't do it because I just don't believe. मेरे को पता है ये थोड़ा सा shady shit है ये product. इसलिए मैं वो बेचता ही नहीं. Like I don't want to be one of मुझे, the guys. मुझे एक Instagram पे, मुझे एक Instagram पे दो brands का ये आया था, but मतलब हाँ. वो Instagram page ही था. पर उन लोग का अच्छे फॉलोअर्स थे, सो दे वर लाइक वी डोंट वांट फॉलोअर्स, बोला आई डोंट वांट फॉलोअर्स. हां, नहीं, नॉट फॉलोअर्स, उन लोग के अच्छे फॉलोअर्स थे. उन लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कि हम लोग को सेल करना है एंड ऑल, तो बाद में दे वर लाइक कि वी विल गिव यू फ्री स्टफ फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर सनग्लासेस, वी विल गिव यू शूज, वी विल गिव यू दिस, वी विल गिव यू दैट. आई डोंट वांट दैट, आई वांट मनी, गिव मी माय मनी, एग्जैक्टली. सो आई
मैंने और उनको डाटा डायरेक्ट टेक्स्ट कोलैबोरेशन किया, तो बहुत ज्यादा, नंबर बहुत दिया, ज्यादा। मैंने उनको कॉल करके बोला, एंड ये बहुत टाइम पहले की बात है, तो मैंने उनको बोला लिसन मुझे मैं पैसा चाहिए, मतलब ये पैसा है, तुम ये या मतलब गिव मी इतना व्हाट ये यू ओ मी प्रमोट या होगा। हाँ तो बाद में वो बोलते हैं नहीं विल गिव यू फ्री स्टफ, मैंने बोला नो सॉरी थैंक यू। देन या सॉरी। बाद में बोलते कि तो फिर वो प्रमोट कैसे करोगे आप, अगर वो ये रहा आपका तो व्हाट यू से अगर हमारे हाँ तुम्हारे पास हमारा ये नहीं रहा, मतलब शूज नहीं रहा या ओके ओके सनग्लासेस नहीं हाँ रहा, तो मैंने मैंने उनको बोला कि तो आप मुझे भेज दो, मैं या आई फोटो सेंड इट क्लिक बैक टू यू। करता हूँ, हाँ आई सेंड इट बैक टू यू, मुझे पैसा दे दो, मुझे नहीं चाहिए शूज, मेरे पास है, मेरे पास 30-40 शूज है, मेरे को नहीं चाहिए यार, तुम लोग राइट मुझे मत दो। तो राइट उन राइट लोग वही उन लोग का ये रहता है, तो मैंने फिर मैंने बोला कि लिसन दिस इज नॉट वर्किंग, या मुझे नहीं करना, एंड एनीवेज ये दिख ही रहा है फेक ब्रांड है, मतलब देवा सेलिंग लकोस्टे, देवा सेलिंग लकोस्टे फॉर 3,000, ओ उनका रियली शूज फॉर 3,000, मतलब टी शर्ट्स भी उनका 5,000 का आता है, एंड देवा सेलिंग लकोस्टे का शूज फॉर 3,000, मतलब यू डोंट डू दैट, इतना फेक वो दिख रहा है, मतलब कोई इंसान फोटो देखेगा तो भी बोलेगा मुझे गाली देंगे लोग यार एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई व्हाट आर डोंट यू सेल इट। सेलिंग। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ द हाँ गाइस हु आर प्रमोटिंग पुशिंग दैट थिंग। या इट्स तो सी इसलिए दैट्स वन मैं थिंग मेरा इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल रखा हूँ कि दिस इज व्हाट लाइक यू सी जॉन सीना दैट्स का व्हाट आई डोंट इंस्टाग्राम। वांट टू डू। तो लाइक अभी कैसे बोलूं देखो एग्जैक्टली जॉन सीना का इंस्टाग्राम देख दो। ही डजंट डू इट फॉर एनीथिंग। वो तो कांडू जैसे कुछ भी पिक्स डालता है। वो अपने लिए करता है, और मैं भी मेरा इंस्टाग्राम अन मैं ये तेरे को भी See, बता that's दूं, the thing आगे is, से I have भी thought बोलना about this a lot. चाहता मेरे हूँ। को क्योंकि आई मेक हाँ कार्टून्स एंड शिट, ठीक है, मैं कार्टून्स बनाता हूँ, मैं फोटोज वोटोज भी खींचता हूँ थोड़े बहुत। मैं सोचा कि डालू क्या, मैं डालू क्या, बट हमेशा मेरे थॉट में मेरे माइंड में यही थोड़ा था कि अरे यार इन लोग ने इसके लिए फॉलो नहीं किया मेरे को, सो आई डोंट वॉन्ट टू गिव क्रेजी शिट टू देम, सो देयरफॉर आई डोंट पुट इट आउट। और अभी मैं खुद के फोटोज खींचने के लिए ज्यादा लाइक मैं आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक टेकिंग माई ओन फोटोज, और मैं बाहर ज्यादा जाता नहीं तो कोई है नहीं खींचने वाला सेकेंडली, और थर्ड की जस्ट I don't know, maybe I'm lazy. इसलिए फोटोज है नहीं मेरे ज्यादा, और आई जस्ट डोंट पुट इट, कभी फोटोज डालता नहीं, और एक एक दो दो महीने तक खाली जाता है, सो आई डोंट लाइक इट बट आई वॉन्ट टू पुट इट, तो इसलिए इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग, एंड आई हैव थॉट अबाउट इट, आई हैव थॉट कि मैं निकाल दूं हाँ इंस्टाग्राम, हु गिव्स अ फक, आई जस्ट डिलीट इट बिकॉज आई एम एनीवेज नॉट अ सुपरस्टार हु नीड्स इट फॉर मार्केटिंग, यू नो व्हाट आई मीन, या बट आई जस्ट कीप इट देन, फक इट छोड़ो जैसे है वैसे रहने दो, आई विल हाँ डू यार व्हाट मतलब प्लीजेस मी। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं डिलीट कर दूं, एंड मेरे को बहुत ऐसा थॉट्स आ, मतलब लेटली ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा थॉट्स आ रहा है कि मैं डिलीट कर दूं, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे से कम वाले लोग ऐसा ये कर रहे, तो एंड वो लोग इतना ज्यादा ये कर रहे कि दिस दैट, अरे बट हैव यू थॉट अबाउट लिसन डूइंग दिस, आई एक्चुअली डू दिस डिजिट एट टाइम्स, ये मैंने किसको बोलता नहीं हूँ, पता है वो कैसे बोलू, व्हेन यू पुट अ स्टोरी आई एम गोइंग ऑफ, सो आई डोंट नो व्हेन, एंड देन यू एक्चुअली टर्न ऑफ योर इंस्टाग्राम एंड तू बंद करके तो अपने काम पे लगा है, बट मैंने जब भी ऐसा किया ना स्टोरी डाल के, कभी पता नहीं अचानक से होता है कि अरे देख लू क्या इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, आई जस्ट गेट अ लिटिल बिट ऑफ माय फ्रेंड्स का न्यूज, सो देयरफॉर आई जस्ट गो ऑनलाइन एंड आई विल डू थिंग्स, तो अभी ना मैं वो ऑफ का स्टोरी डालता ही नहीं, और मैं 2-3 महीने तक ऑफ होता हूँ, आई एम नॉट जोकिंग एक्चुअली, नॉट महीने 2-3 हफ्ते तक सीरियसली मैं ऑफ रह जाता हूँ। हाँ इतना टाइम ऑफ रहता है, मतलब मैं ऑफ हाँ नहीं रहता, मैंने ऐसा किया है, मैं चीजें खाली इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं वो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने एक चीज क्रैक कर ली है खुद के लिए कि मैं वो पोस्ट करूंगा जो मुझे पसंद है, मतलब क्योंकि बिकॉज मुझे पसंद है वो, एंड जेन्युइनली पसंद है, अभी जो समटाइम्स भी इट हो गेट्स रहा है, क्रेजी अभी डूड, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक मैं फोटो मेरे डाला फोटोज पोस्ट वो करूं काफी या अलग कुछ था, और करूं। हाँ बट उसपे फिर बोल लाइक्स बोल। नहीं आए जितने आने चाहिए, जितने बाकी सब पोस्ट में आते हैं, सो आई जस्ट गॉट लिटिल कि हाँ अरे आई डोंट नो, इवन आई डोंट, इफ इवन इफ आई आई नो दिस इज अंडरस्टैंड रॉन्ग, यू गेट द पॉइंट, आई नो इट इज रॉन्ग, आई नो कि लाइफ के पीछे भागना नहीं चाहिए, आई नो ऑल ऑफ दिस, बट आई स्टिल गेट इट कि अरे यार, तो फिर आई जस्ट आर्काइव दैट नहीं पोस्ट अगेन। मैं ओके नहीं मैं तो ऐसे ही, मतलब
मैं मुझे नहीं है, मैं वो पोस्ट करता हूँ, मैं मतलब वो जॉन सीना का कैसा एटीट्यूड है, मैं मेरा वैसा ही है, मैं वो पोस्ट करूंगा जो मुझे पसंद है, मतलब नहीं अभी सो अभी आई हमारा आल्सो स्टार्ट डूइंग कुछ दैट क्योंकि मेरे पास काफी फोटोज है जो मेरे फ्रेंड्स ने खींचे बट दोस आर क्रेजी क्रेजी फोटोज बट गार्बेज से एंड फोटोज तू है देख मेरा मेरा इंस्टाग्राम देख, मैंने मेरे ही पोस्ट अपलोड किए एंड वो एडिट करके कुछ अच्छे ये करके, या पहले के पोस्ट देख तो पहले थोड़ा ऐसा प्रमोशनल था, बट कभी ऐसा मन करता है कि हाँ अब भी फोटो अपलोड करो या ये करो, तो मैं ऐसा कुछ इतना डीप में नहीं जाता, मतलब मेरा स्ट्रेट टू स्ट्रेट है, बिकॉज देख इन दी एंड ऑल एवरीथिंग इज अबाउट योर एटीट्यूड एंड योर सेल्फ कि इंस्टाग्राम कैसे। द ओनली थिंग आई यूज इंस्टाग्राम फॉर नाउ इज फॉर पोल्स. वो स्टोरी पे पोल्स डालता हूँ ना मैं, मेरे को बहुत हाँ वो पसंद है, अच्छे हैं, हाँ मतलब जेन्युइनली अच्छे हैं ब्रो। मजा आता है मेरे को. नहीं हाँ एंड आई डोंट इवन रीड वो एनीवन जेन्युइनली एल्सेस. अच्छे हैं एंड क्वेश्चंस बहुत तेरे ये है एकदम यूनिक एकदम वियर्ड बट अच्छे हैं वो। एक्चुअली मैंने एक बार तेरा पूरा पोल किया था शायद, पूरा क्या था? ओहो मैं देखता नहीं, मैं हाँ देखता पूरा किया था बिकॉज तेरा। व्हेनेवर आई सी इट ना आई जस्ट समटाइम्स एंड समटाइम्स सी. अभी फॉर एग्जांपल मैंने डाला था प्रो लाइफ और प्रो चॉइस, काफी लोग ने प्रो लाइफ किया था और इसलिए मैंने देखा ही नहीं कि मैं जज करूंगा ही नहीं फिर, क्योंकि इवन यू सी इट यू जस्ट लाइक कि अरे ये दोस्त था मेरा, बट ऐसा हाँ नहीं चाहिए मेरे को. हाँ मतलब इतने परसेंट है ये है और इतने हाँ हाँ परसेंट ये हाँ है, हाँ ओके यार सो नहीं बट आई वो डोंट सी अच्छे द एनी हैं पोल्स इन मतलब दम. जेनरली, अभी मैं मतलब प्लान वो कर रहा हूँ, तेरे को पता है मेरे पास नेक्स्ट एडिशन रेडी है, वो ये संडे जाएगा. हाँ हाँ अभी मैं प्लान कर रहा हूँ क्वेश्चन. अच्छा, वो जेन्युइनली अच्छा है। एंड मैं मतलब मुझे बालवीर के पोस्ट आते हैं तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पोस्ट करता हूँ। आई अभी नो कल आई ही नो आई नो. मुझे दो टैग आए हुए थे, तुझे भी आए होंगे शायद। हाँ हाँ मैं वो मेंशन वाला स्टोरी देखता नहीं हूँ. अरे थिंग इज ना आई ओपन हाँ फ्रॉम माय कंप्यूटर ओनली, मैं लैपटॉप में फोन से देखता नहीं हूँ ओके ओ और आई आई डोंट थिंक सो कंप्यूटर में दिखता है मेंशन वाला, हाँ, उस वजह से. तो मैं उसमें देखता हूँ एंड उसपे से बाद में डायरेक्ट मुझे दो एक पोस्ट अच्छा शेयर लगा शेयर. मैंने हाँ अपलोड कर दिया आज सुबह, अभी किया मैंने थोड़ा टाइम पहले, नाइस. तो वैसा चल जाने दे यार हाँ इंस्टाग्राम अभी तो इंस्टाग्राम तो हाँ दैट यार नाउ इट्स जस्ट कि यू डील विद द इज डेविल एंड दैट। यू चूज हाँ चूज व्हाट यू वांट टू. ट्रू, मतलब दैट इज अस की अपने को जो करना है नहीं करना है दैट डिपेंड्स ऑन अस, मतलब वो अपना थिंग है आई मीन यार द गुड थिंग इज कि वी आर करना है अवेयर ऑफ द तो करो। फैक्ट दैट व्हाट एवर लाइक अपन को पता है अगर अपन गलत कर रहे हैं और अपन को पता है अपन अच्छा कर रहे हैं, तो नाउ वी आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द चॉइसेस व्हिच वी मेक. दैट्स आई थिंक सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट यार हैपन. फॉरगेट फॉरगेट ट्रू ये सब चल बहुत हो गया, ये थोड़ा सा इंटेंस डिस्कशन हो गया. बट आई वांटेड टू आस्क यू दिस. ठीक है मैं व्हेनेवर आई पुट अप द क्वेश्चंस ना कि व्हाटएवर क्वेश्चंस यू गेट, मेरे को हमेशा आता है डू यू रिमेंबर योर ऑडिशन. डू यू एक्चुअली रिमेंबर योर ऑडिशन? आई एक्चुअली डोंट, आई जस्ट रिमेम्बर वन थिंग उस दिन का कि मैं गया था एंड मेरा ऑडिशन हुआ था, मेरा तीन ऑडिशन हुए थे आई गेस। मेरे तीन ऑडिशन हुए थे. मेरे हाँ मेरे भी हाँ तीन चार हुए थे. तीन या चार ऑडिशन हुए थे मेरे अलग अलग कैरेक्टर के, मुझे बस इतना याद है, मुझे डायलॉग्स नहीं याद है, मुझे कुछ नहीं याद है, मैं ऑडिशन दिया एंड वहां से फिर निकल गया, दैट्स इट सिंपल। एंड उसके बाद में वो मैकडी जाके खाया से मैं वही बोलने वाला एंड था लाइक माय मॉम यूज्ड टू गिव मी स्मॉल लालच देते ना बच्चे को. हाँ सेम मैन, मेरी मॉम भी यही करती थी कि अरे बेटा ये खा ले, अरे बेटा हाँ ये, हाँ हाँ तो हाँ अभी आज का नॉट ऑडिशन अच्छा गया सो यू विल गेट अ मैकडी हाँ एंड आई सेड ओके हाँ ग्रेट एंड वी वर यू नो वी आर फूड के किड्स। पीछे गांडू दे रहे हैं अपन हाँ अब अभी हाँ भी और आई थिंक सो. ऑब्वियसली अभी भी पसंद है यार फूड, मतलब फूड देख खाना एंड पेट जिसका खुश है वो इंसान खुश है एंड इसलिए मैं हमेशा खुश हूँ, मुझे 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 जरूरत नहीं पड़ता है। मैं मतलब वो इंस्टाग्राम पे भी किसी को ग्रो होते हुए देखता हूँ तो कभी कभी कोई ऐसा बोलता है कि इसको देख, मतलब मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हाँ बोले कि इसको देख तू खुद को देख, मैंने बोला तू खुद को भी तो देख, तू भी कर सकता था ये, हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ मैंने बोला तू खुद को भी तो देख तू भी कर सकता था ये, मुझे क्या करना है। मैंने बोला कि हाँ मुझे नहीं वो पसंद है, मैं वो चीज नहीं, मैं जब वो इंसान ही नहीं हो तो मैं क्यों करूं। एग्जैक्टली हाँ सिंपल, मुझे मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मैं अकेले ट्रैवल करने चले जाता हूँ कभी कभी, किधर किधर ऐसे दिस अकेले इज व्हाट निकल आई जाता फील. हूँ। ओके आई दिस इज व्हाट आई फील. मैं अभी एक लड़की से बात कर रहा ठीक है, आई होप फॉर ना देखे बिकॉज आई रियली लाइक हर. बट उसके साथ बात कर रहा था हम लोग, ओहो
बातें कर रहे थे और उसने मेरे को बोला कि आई लाइक टू ट्रैवल, और उसने बहुत एम्फेसिस दिया ट्रैवल पे, एंड आई सेड ग्रेट, बट द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक वाज कि नोबडी इन द वर्ल्ड हु इज देयर हु डजंट लाइक टू ट्रैवल. लोग ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मे बी फाइनेंशियल ये नहीं है या यू नो सपोर्ट इधर हर जगह का नहीं है. तो ऐसा जब भी लोग वांडरलस लिखते हैं ना अपने बायो में कि मेरे को घूमना पसंद है ये पसंद, यू हैवंट मेट दिस पीपल क्या? नो. आर यू सीरियस? इंस्टाग्राम पे बायो में किसने वांडरलस नहीं लिखा है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं है. मैं उतना स्टॉकिंग स्किल्स मेरे अच्छे नहीं है. No, तो ये लड़के ने लिखा नहीं था, that's what I was very happy about. But I'm just thinking कि travel is not a thing which everyone dislikes. Travel is a thing which everyone likes, but हमेशा सबके पास key resources. नहीं, मैं तुझे travel का एक चीज बताता हूँ. देख, travel करना मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर्स भी दूर जाना, ठीक है अभी, but वो 10 किलोमीटर्स में तू करता क्या है? तुझे कंपनी की जरूरत है क्या ट्रैवल के लिए? नहीं, मतलब तुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए, कोई ऐसा कंपनी चाहिए कि हाँ हमेशा रहना चाहिए कि जो ट्रैवल कर सके साथ में? इनफैक्ट आई गेट मैड क्योंकि वो कन्वर्सेशन वाला हो जाता है डूड, बात करना लाइक बात करना पड़ता है कभी कभी कि अरे नहीं बात करना. हाँ मतलब कोई कोई ऐसा रहता है. तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं अकेला ट्रैवल करना निकल जाता हूँ. आई हैव ट्रैवल्ड 80 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स अलोन, and मैं वापस भी आया हूँ. या सीरियसली वापस आया दिख रहा है डूड पे को. and मैं मतलब वही 100 जाना 100 आना, so I like to travel. and मैं अकेला जाता हूँ, गाने बजते रहते हैं, I vibe. I guess it's the passion. पानी का बॉटल रहता है, कोल्ड ड्रिंक, या कोल्ड ड्रिंक रहता है. and मुझे मतलब मैं सीरियसली बोलूं, I like the steering wheel. तो मैं वो कार चलाता हूँ तो I am like a different Ritik Mishra. so इसलिए मुझे वो पसंद है, मुझे जेन्युइनली वो पसंद है. अभी भी सूरत गया था तो मैं सूरत जाने का कुछ ये नहीं था, हाइप नहीं था, बट सब घर वालों से मिलना था. बट मेन मेरा ट्रैवलिंग का था, मैं कार लेके जाना था, न्यू कार थी. या न्यू कार, ऑफ कोर्स वो चलाने का अलग फील आता ना, वो चलाने का मतलब. मैं अकेला भी निकल गया हूँ. मैं तुझे लास्ट टाइम अपन बात किए बाद में, मैं सुबह तेरे से बात किया, मैंने बोला नहीं मैं एनीवेज कल राइड पे जा रहा हूँ. चिंचोटी जाने वाले थे बट हम लोग 1 आवर में स्टॉप हो गए. क्यों? तो ऐसा ऐसे ही मतलब अभी मेरे फ्रेंड के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी तो एंड हाँ, तो वो उसको भूख लग रही थी एंड हम लोग बाद में आगे जाते जाते तो बाद में थोड़ा ऐसा ट्रक ट्रैफिक था तो बाद में हम लोग सोचे कि नहीं चल यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे ही चाय नाश्ता करते हैं. तो चाय नाश्ता करने बैठे तो वहां पे टाइम निकल गया, 2 घंटे निकल गए. हाँ नहीं, बहुत ज्यादा टाइम निकल गया. तो हम लोग फिर निकल आए एंड अधिक मैं राइड पे गया, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला नहीं डाला. आई डोंट वांट टू, हां सेम सेम मेरे को. इनफैक्ट आई डोंट लाइक टू पुट माय स्टफ व्हिच Like unless or until it's the greatest stuff. For example, अगर मैं किधर, हाँ मतलब अगर अच्छा अभी मैं राइड पे जाता, अगर मेरा अच्छा कुछ ये आता, फोटो आता, कुछ ये आता, तो मैं obviously yeah yeah sometimes you like to share about your stuff but I don't. अभी मैं recently राइड पे गया था लंबा, तो मैंने मेरे Instagram पे है वो. हम लोग महाबलेश्वरी गए थे, मतलब ऐसे रात में प्लान बना और सुबह हम लोग पैक करके निकल गए थे वो टाइम पे. तो हम लोग 4 दोस्त थे सिर्फ. टाइम वेन बिकॉज देखो अगर याद होगा तो मैं गाली देता नहीं था. एंड द फर्स्ट टाइम वन ऑफ लाइक फर्स्ट टाइम आई गेट गालीज वाज टू यू. अपना झगड़ा हुआ था. अपना झगड़ा हुआ था. झगड़ा तो किधर भी होता है, बाजू वाले के साथ हो जाता है झगड़ा. आई नो मतलब वो कोई छोटा कोई ये होता है उसके साथ झगड़ा हो जाता है, ये वो तो इज नॉर्मल.
But I think we are way more of a close friends now that when we weren't in Balvir. Shoot में अपन इतना बात ज़्यादा करते नहीं थे. अभी ज़्यादा close है. अभी ज़्यादा है because अभी maturity level and उसका बड़े बड़े हो गए ना. हाँ नहीं हम एक tangent पे ही है ना मतलब Instagram delete करना Instagram delete करना doing something that you are मतलब जो खुद है वो करना एंड अपन वैसा भी नहीं है कि अपन एवरीडे बात करते हैं यू गेट इट हम लोग एवरीडे बात नहीं करते बट जब भी बात करते हैं अच्छी बात करते हैं और जहाँ जहाँ पे है वहां से करते हैं ऐसा नहीं कि पीछे जाके कि ब्रो अब तो तू भूल गया अब मैंने आई हेट वो भाई दिमाग बड़ा आदमी हो गया तो भूल मत जाना ये वाला क्वेश्चन जब आता ना वो बड़ा ये सब ये फिर कि ठीक है तो मैं मतलब वही इस पे से हम दोनों भी क्लोज है मैं पूर्वेश भी क्लोज है मतलब अच्छे दोस्त अभी मेरी, अभी यहाँ पे ही रहता था आज नहीं आई गेस एक वीक पहले ही बात हुई थी हम लोग एक कोस्टार के बारे में बात कर रहे थे वो मैं देखो बाद में बोलूंगा बट ओके तो आई गेस समझ गया रहेगा हाँ समझ गया मैं तो भाई तो मैं पूर्वेश के साथ निमेश निमेश सोनी निमेश शंकर ओ यार यू आर इन टच विद हिम आई एम नॉट इन टच विद हिम एट ऑल या आई एम इन टच विद हिम मतलब वो बहुत ज्यादा हम लोग का बहुत ज्यादा ये है वो मतलब जब हम लोग सबसे ज्यादा कांटेक्ट में कब है वो यहाँ पे आए थे एंड उनके बेटे का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तभी तो इसलिए बालवीर डे Or do you, let me ask you this, do you remember the Balvir days? Because when I think, like, I still remember the good times only. And good times are majorly, you know, I remember our fight very well because, I don't know, even it was bad at that time, but in retrospect, this is like, oh, it's a great memory. हाँ मुझे एक और वो फाइट से याद आया कि हम वो तू मूवी चला रहा था मुझे स्पॉइलर्स नहीं पसंद है और तू स्पॉइलर दे रहा था एंड फिर तभी भी हम लोग का वैनिटी में झगड़ा हुआ था याद है मेरे को this is all bad thing to remember fast and furious, fast and it is good for now man. So this is all good for now ki ab wo sab funny lagta hai acha lagta hai ki yahan hum kitne bacche the kya tha but do you remember much of Balvir I don't know main sochta hu na I actually saw two episodes on YouTube really 2 weeks ago yeah And I was not remembering anything. मतलब इतना भी हाँ anything man मतलब कुछ भी नहीं मैंने बोला ये कब मैंने किया I know I was like मैं ये कब किया मैंने ये कैसे किया and मैं ये कर सकता हूँ and वो recently का मतलब I guess 1000 के ऊपर का episode था end का part that is like 4-5 years back only हाँ तो एंड मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं बोला कि जाने दे यार मतलब गुड मेरा क्या देखो यम याद है क्या यम डायरेक्टर जो थे ना वो नहीं देखो याद नहीं क्या वो रियली याद नहीं है नहीं मुझे नो सीरियसली वो सरदार देखो रियल नाम नहीं बोलना उनका क्योंकि आई डोंट वांट टू फॉल इनटू अ प्रॉब्लम और समथिंग बट हुआ क्या था कि उस टाइम पे देखो अगर याद होगा तो मैं डायरी वायरी लिखता था पता है कभी कभी समटाइम्स आई यूज्ड टू राइट अ डायरी तो मैंने रिसेंटली एक डायरी पकड़ा जिसमें मैंने लिखा था कि आज मैंने यम के साथ शूट किया दिन बहुत खराब गया एंड खाना भी अच्छा नहीं था एंड जस्ट लाइक राइटिंग क्रेजी शिट लाइक तीन चार एक एक सेंटेंस में पूरा दिन डिस्क्राइब किया मैंने और वैसे तीन चार दिन okay. का है मेरे पास बालवीर का so I just thought कि ओ माँ कसम ऐसा सब भी दिन गए थे बालवीर में नहीं वो बहुत बहुत सब बहुत कुछ दिन गया मैं फोटोज भी देखता हूँ तू मुझे टैग करता है मैं बोलता हूँ अरे ये सब कहाँ से आया उसके बाद याद है क्या मेरा और पुकी का किया था ये सेम ठीक है देखो अगर याद होगा तो हाँ पता है
पता एंड है, इट डिडंट गो गुड, इट डिडंट गो वेल। हाँ इट डिडंट गो वेल। हाँ पुकी का पूरा लाल हो गया था एंड वो बाद में रोने लग गया था ना शायद। नहीं, उसने मेरे को बहुत मारा था हाँ और मैंने भी फिर मारा, क्योंकि उसने मेरे को 2-3 बार झापट मारे, तो फिर मैंने बोला क्यों रे माँ कसम, तो मैं भी फुल ऑन दे दिया उसको। तो फिर लाइक आई डोंट नो हु रिमेंबर, मुझे खाली इतना याद है तेरा एंड पुकी का भी हुआ था सीन, बट ठीक है चल। नहीं मतलब वो करना मेरा तो मुझे आई, अब तुझे पता होगा या नहीं पता नहीं, बट मैं 9th से आई वाज इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड ऑल, बट आई आल्सो रिमेंबर यू वर वेरी इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी इन सिनेमेटोग्राफी। नो नो मैं या आई वाज इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन ना, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन नो डाउट। मतलब मुझे अगर चांस मिले, मतलब मैं अभी के ऐसे स्टेज पे हूं ना, लाइक यू आर व्हाट, यू आर 20, आई एम 19 अभी 2 महीने में 20। ओके यू आर 19, ओके सो मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तू जब 21 का होएगा ना या 22 के फेज पे आएगा ना, यू विल गेट फकिंग कंफ्यूज्ड। अभी यू हैव अ कोर्स, यू आर डूइंग इट, अभी मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, ठीक है, सो अब मैं क्या करूँ? सो आई हैव अ चांस, आई हैव एन ऑप्शन एक्चुअली टू गो टू कैनेडा because my brother is there, so he's like, you come here, because I am already all into that business and shit, matlab I did start something 2 years ago which did go well start mein thoda, but and uske baad dheere dheere ye hua to uske baad maine choda, so main wo experiment karte rehta hu right ke is pe, so I'm actually interested in business. तो मुझे ये industry कैसे, मतलब देख, I'll tell you one thing. मतलब you, if you are very passionate about this thing, मतलब direction, production and everything, मतलब whatever you said. Right. If you are really interested, then you can obviously go. And if you are passionate about it, then. I am, yeah. But कैसा है? हाँ, but वो कैसा है पता है? अभी मैं acting में जाऊँ, तो मेरे मैं ऐसा नहीं है मेरे से नहीं होगा, आई कैन गिव माय मोर देन 100%, बट वो थिंग कैसा है कि अगर मैं वो कैमरे के सामने हूँ एंड वो कैमरे के सामने मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, फेक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ एंड उसके बाद जब अंदर ही वो फील नहीं हो रहा है कि या मैन आई कांट डू दिस, मतलब मुझे वो फील नहीं हो रहा है, एक वो फील रहता है जो वो करने के टाइम पे अच्छा लगता है, आई नो या तो वो जब अगर होगा ही नहीं, हाँ तो वो जब अगर होगा ही नहीं तो फिर वो कैसे, फिर वो नहीं हो पाएगा। तो मेरी मॉम मुझे पूछ रही थी मतलब कि तू अभी क्या करेगा, मतलब तेरा डिसीजन क्या है, बिकॉज थ्री फोर इयर्स में मतलब ये अभी जो मेरा थिंकिंग है ना, ये अगर मतलब आई रिग्रेट ओनली दिस थिंग कि ये थिंकिंग अगर 4 इयर्स पहले आ गया होता तो नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, बट हाँ वे मोर बेटर थिंग्स, मतलब कुछ और तो कर ही लिया होता एटलीस्ट 21-22 की एज तक, बिकॉज वी हैव मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग केवल वी हैव ऑलरेडी सीन वर्ल्ड, मतलब जो 20 इयर्स का इंसान देखता है वी हैव सीन इट इन 14, ट्रू या हाँ, तो वी हैव सीन ऑल दैट शिट, ऑल दैट थिंग कि हाँ ये ऐसा होता है, वी हैव मेट मेनी पीपल, big people, मतलब बहुत लोगों को हम मिले, बहुत अच्छे लोगों को, हाँ big people, अच्छे लोग, and ऐसा नहीं है कि कुछ ये नहीं था, but ठीक है वो that is different thing, so I'm actually interested more in business, so I did BMM, मतलब मैं BMM से ही graduate होऊंगा अभी, so but now I'm thinking कि MBA I'll do it in business or major, something, हाँ हाँ बिजनेस मेजर्स करके, बिकॉज आई एम बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट और समथिंग, राइट, बिकॉज राइट आई हैव थोड़े कॉन्टैक्ट्स एंड आई हैव दैट पोटेंशियल इन मी, मतलब इवन आई कैन सी, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट इवन आई कैन सी कि आई हैव अ लिटिल बिट पोटेंशियल, हाँ अ लिटिल बिट पोटेंशियल अबाउट डूइंग दैट, हाँ एंड वो
मतलब वो कैसा है मालूम है, अगर मैं कोई चीज के सामने जाऊं एंड वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, सो आई विल बी डेड इनसाइड मैन. मतलब वो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा. मेरी मॉम ने मेरे को पूछा कि तू करना क्या चाहता है, डू यू वांट टू गो इन एक्टिंग और डू यू वांट टू गो इन डायरेक्शन और व्हाट डू यू वांट टू डू. सो आई वाज लाइक कि मम्मी कैसा है कि मैं सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा अभी एक्टिंग से, बिकॉज मैंने वो देख लिया 12 टू 16 इयर्स के एज में मैंने वो देख लिया. अब मुझे पता है कैसे चीजें चलती है वहां पे. एंड मैं ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ डायरेक्शन में. मुझे कैमरे के आगे रहने से अच्छा कैमरे के पीछे रहना पसंद है. एंड ये जेन्युइन है, मतलब मुझे जेन्युइनली पसंद है. कैमरे के पीछे रहना ज्यादा पसंद है कैमरे के आगे रहने से. एंड ऐसा नहीं है एक्टिंग नहीं मिला तो आई वोंट वर्क. एक्टिंग मिला तो ऑब्वियसली आई विल गिव मोर देन 100%. बट अगर मेरे से नहीं होगा मैं अंदर ही अंदर को हाँ टूटते जाऊंगा कि यार व्हाट द फक आर यू डूइंग. मतलब हाँ, इसलिए बेटर है ना जो पसंद है वही करो. हाँ, जो पसंद है. एंड इन द एंड एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर ना देयर इज नथिंग. मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन अगर है तो देख, मैं मेरे बिहाफ पे स्पीक कर रहा हूँ कि अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना तो मनी भी अगर 50% आता है ना, दैट इज फाइन फॉर स्टिल. या इट स्टिल वर्क्स. या 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 If you are happy, it still works because, if I am happy, if I am doing something that that is making me, that is making me, what do you say, man? Sufficient. मतलब जो भी है, हाँ, मतलब मुझे वो butterflies दे रहा है अंदर कि मुझे वो everyday hype रख रहा है उस चीज के. हाँ, मुझे वो hype रख रहा है उस चीज के लिए हमेशा कि dude you are doing something, you are matlab ye karna hai tujhe, ye karna hai, so that will obviously make it work. Ki ha matlab wo fir wo kaisa ho jata hai ki wo person ka baat aa jata hai ki kaise insaan ye karna hai. So I'm maine bola to mom ne bahut maturely nahi matlab bahut mom ne maturely diya. अरे सॉरी, मैंने बहुत मैच्योर, मैं एक्चुअली बोल रहा था, मैंने बहुत मैच्योरली बोला एंड मॉम ने बहुत सपोर्टिंगली हैंडल की. राइट, तो मॉम ने बहुत सपोर्टिंगली हैंडल करके मेरे को बोला कि ठीक है, मतलब जो तुझे करना है वैसे कर, बट दिस इज योर एज, यू हैव नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन वन थिंग. हां, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग. सो इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले जब अपनी बात हुई तो आई वॉज लाइक कि मुझे वीडियो एडिटिंग का थोड़ा बता. राइट. हाँ, सो दैट इज कि मेरे को, मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ ये नहीं है, बट इफ आई एम गोइंग इन टू, मतलब अगर मैं जा रहा हूँ बिजनेस में एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, एंड मैं कैसा हूँ मालूम, आई एम नॉट स्टेबल गाय, आई कांट स्टे ए पॉइंट पे फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब आई विल स्विच टू बी, मतलब मेरा ऐसा है. बट समटाइम्स यू नीड टू फाइंड अ जार वेयर यू कैन होल्ड डाउन द फोर्ट ना, क्योंकि अभी तू कंटीन्यूअसली ये करेगा तो यू नो यू वोंट बी. हां, ऑब्वियसली एक चीज अगर लगना है कमाना है अच्छे से तो तेरे को 20 साल डालने पड़ेंगे. दिस इज अ बैड एग्जांपल, बट समथिंग लाइक 20 साल डालने पड़ेंगे. बट अगर तू 5 साल के अंदर ही निकल जाएगा तो यू वोंट सी द फ्रूट बीइंग राइप्ड ना. हाँ वही एग्जैक्टली, मतलब यही है कि मुझे, मैं फोकस रहूं, दैट इज इट, कि मुझे ये करना है एंड ढूंढूंगा, देखूंगा कि अगर डायरेक्शन में इंटरेस्ट जाता है, मतलब जितना, मतलब माय इंटरेस्ट आई विल टेल यू इज बिजनेस एंड डायरेक्शन, मतलब नथिंग एल्स. टू थिंग्स दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, दैट आई वॉन्ट टू डू. मतलब मैं ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी चीज कर सकता हूँ. मतलब बिजनेस के लिए थोड़ा पोटेंशियल है, डायरेक्शन के लिए आई कैन वर्क हार्ड एंड देन आई कैन लर्न. व्हाई नॉट ट्राई इट, थोड़ा सा टेस्ट कर लेना डायरेक्शन. हाँ वही, मैं यू कांट ट्राई बिजनेस राइट नाउ और यू कैन स्टिल थोड़ा बहुत कर सकता है घर से, बट अगर तेको वो नहीं हो रहा है तो यू कैन स्टिल ट्राई डायरेक्शन. यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट फिल्म, ट्राई कर ले, अगर पसंद हो रहा है जम रहा है तो गो विद इट. नहीं वो, हाँ मतलब देखते हैं. अभी मैं ये ईयर मैं एटलीस्ट एक डिसीजन ले लिया होता, बट ये मतलब डिसीजन लेने में कोविड का कुछ सीन कुछ मैटर नहीं करता, बट मैं एटलीस्ट एक जगह पे चला गया होता कि आई वांट टू डू बिजनेस. अभी अभी देखो, इट्स नेवर टू लेट, दैट्स व्हाट वी से, राइट? इट्स नेवर टू लेट. इट्स नेवर टू लेट एज लॉन्ग एज यू रियलाइज द पॉइंट. तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एमबीए आई विल डू इन दैट. मतलब 2 years 3 years का MBA तो होता ही है, so उसके साथ साथ I'll try something
कि ट्राइड यहाँ पे होता है। ट्राइड ओवर देयर इन कनाडा। हाँ ऑब्वियसली इवन आई एम थिंकिंग कि शुड आई शिफ्ट टू कनाडा, मतलब मेरा भाई अगर वहां पे ही है तो मेरा भाई इज लाइक कि कम हियर, तेरे को अगर हाँ ही जो कैन है हेल्प तू ब्रो। अपने हिसाब से, सी मैं एक बात बता दूं, केवल अपन दोनों की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, दिस काफी इज वेरी ट्रू, वेरी काफी ट्रू, काफी लाइक ब्रो। योर मॉम एंड माय मॉम दे टॉक एवरी डे, आई नो सो द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग, दे माय प्रॉबली टॉकिंग आउट मॉम राइट नाउ। एंड केवल, सॉरी अभी शायद मे बी अभी भी या वो देव, बात ही कर रहे हाँ होंगे। अभी भी बात कर रहे होंगे वो लोग, पूरा दिन बात करते हैं, मतलब पूरा दिन में 3 बार तो उनकी बात होती है और उतनी हम दोनों की भी नहीं होती, सो दे आर वेरी बेस्ट, दे आर एक्चुअली बेस्ट या फ्रेंड्स, तो वो लोग बात करते रहा, तो मतलब एक बार मेरी मम्मी, मैं ऊपर जाता हूँ तो गुजराती में बात कर रही होती है, तो मैं बोलता हूँ कौन हमारी आंटी तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ, तो बाद में तो वो है ना फन है, मतलब मैं भी, मतलब मैं हाँ आंटी से उतना बात नहीं करता, मतलब एवरी डे नहीं होता, बट वो मम्मी मम्मी एंड मम्मी दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो या बात वो होती है। अच्छा है। हाँ हाँ आई तो नो। वो ऐसा है कि तो जो भी ये अभी तो सुन आई रहा है गेस सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टू लाइक टेक डिसीजन। आई थिंक सो कर ले तू अभी। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस यू और एनीथिंग बट तू कर ले। आई नो हाँ जस्ट विच साइड यू आर लीनिंग ऑन एक बार देख ले और फिर उसके साथ तू दूसरा कर ही सकता है। लाइक यू कैन स्टिल कंटिन्यू द फिल्म मेकिंग थिंग्स। यू कैन स्टिल मेक शॉर्ट फिल्म्स इन कनाडा बट यू कांट डू द कनाडा बिजनेस ओवर हियर। दैट्स द पॉइंट यू शुड थिंक अबाउट। नो दैट ऐसा नहीं है, कनाडा बिजनेस कैन, वी कैन नहीं डू नहीं इट आई एम सेइंग टुगेदर, इधर का नो उधर नो से व्हाट आई एम मिलता है। सेइंग इज कि कनाडा का पढ़ाई आई एम गेसिंग वहां का पढ़ाई अच्छा है। आई एम गेसिंग सो इफ यू कैन हाँ स्टडी यू कैन स्टडी दैट सोर्स मटेरियल दैट कॉलेज का इधर। व्हाट आई एम सेइंग इज हाँ दैट इज एक्चुअली ट्रू, दैट इज, सो आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि आई विल बी मूविंग टू कनाडा लाइक इन 2022 आई एम थिंकिंग, हाँ बिकॉज और हाँ बट कनाडा इज ट्वेंटी अ ट्वेंटी भी, बट 2020 कनाडा इज अ कनाडा ग्रेट इज प्लेस टू वेरी बी इन राइट नाइस। नाउ। हाँ एक्चुअली मतलब एवरीथिंग इज ग्रोइंग ओवर देयर, एवरी एवरी फकिंग फील्ड इज ग्रोइंग ओवर देयर, एंड वंस यू थिंक कि हाँ यही चीज करना है, मतलब अच्छे से फोकस करके अगर कोई करता है चीज, तो दैट विल ऑब्वियसली ग्रो, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई रुका सकता है, नहीं कि नहीं कर ले अगर कर ले। इजी 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 तो दे इजी इजी कोई भी चीज नहीं है, लाइक इफ या एज यू आर लॉन्ग एज ऑल्सो यू आर थिंकिंग हैप्पी टू डायरेक्शन वर्क फॉर प्रोडक्शन, इट इट। इज नॉट, हाँ इट इज नॉट एवरी, देख एवरीथिंग इज नॉट इजी, मतलब कोई भी चीज इजी नहीं है, मतलब तू भी वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये कर रहा है, दैट इज नॉट इजी, बट दैट इज व्हाट यू फील यू वांट टू डू, आई नो या सो दैट इज द अभी मेन अभी पॉइंट आई ना, डिड मतलब एनिमेशन अ वो एक, लिटिल बिट हाँ और ओह 30। नाइस मैन, हाँ थैंक्स मैन। आई शेयर द वीडियो बाद में। 30 सेकेंड का बनाना था उसके लिए 2 दिन लगे। 2 दिन 2 दिन, बट दो दिन। अभी हाँ डू यू हैव अभी इसको एंड करते हैं। एनी इसको अभी एंड करते क्वेश्चंस हैं। एनीथिंग, सो नो ओके आई डोंट आई जस्ट नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आई वांट टू आस्क यू हैव आई एवर लाइक अभी है ना दिस इज सम पीसफुल थिंकिंग आई एम डूइंग एंड आई एम ट्राइंग टू मेक गुड विद एवरी पर्सन। लाइक आई डोंट थिंक सो मैंने ज्यादा लोग के साथ पंगे लिए हैं बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि नहीं लिए मैंने। लाइक जितने भी लिए मैं उनके साथ आई वॉन्ट टू मेक अमेंड। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस हैव आई एवर हर्ट योर फीलिंग्स। नो मैन, मतलब वो नो बचपन में वो टाइम पे सोचा बचपन होता वाला तो वो तो नहीं। नहीं बट स्टिल लाइक स्टिल यू दैट इज एवर ट्राई टू होल्ड अ ग्रज और समथिंग यू थिंक दैट आई शुड नो अपोलोजाइज। मैन, नेवर नेवर, यू आर अ रियली नाइस गाय, मतलब सीरियसली, मतलब हाँ थैंक्स मैन। मतलब ऑब्वियसली यार कि मतलब यार अपन बात भी करते हैं, अपन आई रिसेंटली नो। भी हाँ जब थोड़े टाइम पहले मिले थे, ये कोविड के सीन के पहले जब मिले थे, तो हाँ हाँ तभी हम कितना बड़े वॉक पे चले गए थे, यू आई नो रिमेम्बर? आई नो। हाँ। हाँ तब्बे के पास। हाँ सो हाँ, तो यू आर अ रियली नाइस गाय एज अ फ्रेंड ऑल्सो मैन, थैंक यू ब्रो दैट्स सो मतलब स्वीट। हाँ कि ऐसा है कि अभी उस दिन भी मिले, सो वी डोंट टॉक मच व्हेन वी मीट, मतलब बट जब या भी जब बैठते तभी मस्त करते हैं तो जलता है बहुत मस्त ज्यादा ही जमता है। कर देते हैं, हाँ आई नो। जब जब करते हैं तो बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं, या फिर जब जब नहीं करते तो 2 दिन पहले जैसे नहीं किए, आज तुरंत मुझे भी निकलना था तो इसलिए फिर निकल जाते हैं। हाँ।
हाँ नहीं तो नहीं वैसा, बहुत या तो ग्रेट है. बात करते तो फिर 1 आवर वी वॉक फॉर 1 आवर, एंड इफ यू डोंट टॉक वी स्टैंड फॉर आई नो. 1 मिनट. तो या दैट इज द थिंग कि बट इट्स गुड मतलब डूड, ऐसा इट्स कुछ गुड नहीं गुड मेमोरीज. है. या एक्चुअली गुड मेमोरीज. ऑल राइट, ऑन दैट हैप्पी होलसम राजश्री प्रोडक्शन नोट अपन इसमें एंड करते. या थैंक्स थैंक्स फॉर डूइंग दिस मैन, इट्स रियली कूल. बहुत मजा नो है. नो एनी एक एनी घंटा एनी इधर टाइम. निकल गया पता नहीं चला. हाँ 1 घंटा 12 मिनट कैसे चलेगा पता भी नहीं चला, मुझे भी आई यार. नो मजा आएगा. अभी एडिट में थोड़ा सा टाइम मेरी फटेगी बट